कैसे हैं आप सब? ईश्वर की दया से सब अच्छे होंगे। और कैसे था आप लोगों का गणेश पूजा? और मैं गणेश पूजा के दिन, मुझे तो तबीयत ठीक नहीं था, थोड़ा फीवर था। और आज तो हम लोग प्लान किए हैं, क्योंकि हम गुरुवार के दिन तो विसर्जन नहीं करते हैं, तो मैंने पापा को 2 दिन रखा, बुधवार गुरुवार। शुक्रवार के दिन मॉर्निंग में सोचे विसर्जन करने के लिए, लेकिन मन नहीं माना, करेंगे नहीं करेंगे, फिर सैटरडे होता है तो फिर हम लोग नहीं करते हैं। तो फिर शुक्रवार के दिन शाम को हम लोग किए थे, इतना ख़राब लग रहा था। 2 दिन बाबा घर में थे, गणपति बाबा, और फिर अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी हम लोग किए हैं। तो और इधर तो बहुत जन, जिस दिन गणेश पूजा था उसी दिन ही विसर्जन किए थे। मैं जो लेक को जाती हूँ ना, जो वॉक करने के लिए, वहाँ पर ही विसर्जन किए हैं, तो वहीं पर ही हो रहा था। और सब जा रहे थे, इतना बड़ा बड़ा गणेश बप्पा जा रहे थे इधर, तो आपको दिखाऊंगी, बहुत बड़ा बड़ा गणेश मूर्ति, गणेश के जो ऊपर है उसको पूरा क्रेन में लगा कर रखे हैं। और यहाँ पर आकर, ये तो मेन रोड है, अंदर डांस करके, और फिर अब ट्रेडिशनल डांस, और क्या बोलते हैं ना, ढोलक उलक बजा कर, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं वो सब दिखाऊंगी आपको। पूजा के दिन हम तो दोपहर को हम लोग चले गए थे, हमारा उड़िया एसोसिएशन कमेटी में जो बन रहा था वहाँ ही हम लोग जाके लंच किए थे। और शाम को जब मैं आई, मैं गणपति बाबा के लिए शाम को मैंने पायस बनाया था, और मखाना फ्राई करके घी में ही मैंने दिया था प्रसाद, डिनर था। मैंने बाबा को 2 दिन रखा था घर में, क्योंकि हम गुरुवार के दिन तो विसर्जन नहीं करते हैं, तो फ्राइडे ही मैंने किया था। तो गुरुवार के दिन मैंने पूरी और जो येलो वाला चना रहता है उनका सब्जी बना के मैंने दूसरे दिन दिया था। यहाँ मखाना फ्राई कर रही हूँ मैं घी में। और यहाँ पर पायस, प्रसाद बनाने से मैक्सिमम टाइम ये सूजी में ही पायस बनाती हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा करके घी देने से पूरा प्रसाद के जैसा टेस्ट आता है, पूरा जैसे हमारा जगन्नाथ मंदिर का भोग है ना, वैसे पूरा लगता है पूरा, और बहुत जल्दी भी हो जाता है। तो मैं प्रसाद के लिए मैक्सिमम टाइम सूजी का ही यूज करती हूँ। और इधर पायस को कैरमलाइज करेंगे, तो उसका कलर, पायस का कलर बहुत सुंदर लगता है देखने में, खीर का कलर बहुत अच्छा लगता है। आप शुरू से भी दे सकते हो, लास्ट में भी दे सकते हो, मुझे थोड़ा लास्ट में ही, मैं ज़्यादा करके प्रिफर करती हूँ, मैं लास्ट में ही डालती हूँ। ये तो बन गया, अभी इसमें डालेंगे कैरमलाइज करके। खीर बन गया, इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से, और इलायची डालकर इसको, ये बन गया, रेडी हो गया। ये गणेश जी का पार्ट 2 है, और गणेश पूजा के दिन तो मैंने कुछ नहीं बनाया था, उसके दूसरे दिन जो थर्सडे था, वो थर्सडे में मैंने लंच और डिनर सब बनाया था, और मैंने कुछ उस दिन तो बनाया नहीं था, क्योंकि हम गए थे पूजा में। ये गुरुवार के दिन सुबह में, मॉर्निंग में तो मैं तो फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स ऐसा करके प्रसाद ब्रेकफास्ट दी थी, और लंच में मैंने पूरी और जो येलो वाला चना रहता है उसका सूखा सूखा फ्राई करके घी में ही मैं बना के भोग लगाई थी लंच में। पूरी बनाने के बाद में मैंने
चना भी जो येलो वाला चना है इसको ज़्यादा पानी वाला नहीं बनाई थी, एकदम सूखा सूखा बनाई थी, क्योंकि घी में बनेगा तो फिर थोड़ा सा, मैंने सोचा थोड़ा सूखा ही बनाते हैं। शाम को हम विसर्जन कर दिए, और विसर्जन तो हम ऐसे ही जो बकेट रहता है बड़ा वाला बकेट में पानी और फूल और सब पूजा वूजा करके और गणपति बाबा को उसी में ही रख देते हैं। एक घंटा के बाद में फिर वो तो पूरा मेल्ट हो जाता है, फिर हम लोग उसी मिट्टी को लेके गमला में ही सब डाल देते हैं, जो मेरा ऊपर में प्लांट है उसी में डाल देती हूँ। बहुत ईजी होता है और बहुत अच्छा भी लगता है, तो यही है बस। देखिए आज विसर्जन कर रहे हैं, और हमारे घर के पास में जो मैं बोलती थी ना बहुत बड़ा लेक है, वहाँ मैं जाती हूँ वॉक करने के लिए, वहाँ पानी बारिश हो पूरा भर गया है, कि जितने भी गणेश जी हैं ना हमारे एरिया के सब आकर यहीं पर ही विसर्जन कर रहे हैं। और हमारा तो मेन रोड है वो, पूरा देखिए पूरा जितने बड़े बड़ा पूरा जितना भी बड़ा बड़ा पूरा गणेश मूर्ति सब यहीं पर ला कर कितना गणेश कितना सुंदर है ना गणेश जी, देखिए कितना बड़ा है, बाप रे बहुत बड़ा है। उनको पूरा जो जेसीबी के साथ में लेके आए हैं, और जब भी कहीं इलेक्ट्रिक का जो वायर वायर होता है ना उनको पूरा हाइट करके ऊपर कर लेते हैं, और फिर जब हो जाता है तो फिर नीचे लेके आते हैं। ये बच्चे लोग को इतना मज़ा आ रहा था ना, इतना खुश थे ना, और बर्थडे भी हम लोग को इतना अच्छा लग रहा था उस दिन, इतना सुंदर थे ना। ऐसे ही बड़े बड़े पूरा रात भर विसर्जन करने के लिए जाते हैं। मैंने तो ज़्यादा तो कैप्चर नहीं किया है, 4-5 से ज़्यादा नहीं किया है, क्योंकि रात भर ही गणेश विसर्जन करने इधर से ही जा रहे थे, तो मैंने 4-5 ही वीडियो किया है। मुझे बहुत अच्छा, कितना सुंदर है देखिए यार। हाइट कर रहे हैं, और बच्चे को भी चाहिए, और बच्चे लोग उन वो डिमांड कर रहे थे हाइट कीजिए उनको। तो देखिए इतना मज़ा आ रहा था उस दिन, बहुत खुश लग रहा था। देखिए फिर डाउन कर रहे थे उसको गणेश जी को, इसी भी से ही कर रहे थे सब। हाँ बाहर में आ गए थे देखने के लिए, बहुत अच्छा लगा। देखिए और एक आ रहा है कंटिन्यूसली, बैक टू बैक सब गणेश जी आ रहे थे विसर्जन बैक साइड का अंतर से। देखिए और एक आ रहे हैं, रात भर विसर्जन के लिए चल रहे थे। साउंड भी सुनाई देता है, पीछे से बहुत आ रहे हैं, लेकिन मैं
रात भर यही चलेगा। ये वाली जो जो देख रहे हैं ये हमारे घर के साइड में मंदिर है, मंदिर के साइड में ही एक रखे हैं गणपति बाबा का पूजा, वो भी आज विसर्जन कर रहे हैं। बहुत सुंदर है, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत सुंदर है। मैं यहाँ गई थी शाम को, ये घर के पास है। बहुत सुंदर है।